तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट के ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि अभी थोड़ा रिव्यू थोड़ा लेट हो गया, पर आज हम पूरा डेप्थ में बात करेंगे क्या एवरेज है, कैसी इसकी मतलब इनिशियल पिकअप है, कैसा इसका गेयरबॉक्स परफॉर्मेंस देता है, और सारी मतलब ओवरऑल सारे पॉइंट्स जो हैं कवर करने वाले हैं। तो जो चैनल पे आगे नए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को कर दें लाइक, और बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट के अंदर हम बैठे हैं इस टाइम, और एक बार डैशबोर्ड देख लो इसका, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है डैशबोर्ड, और ख़ास करके इसके इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स की वजह से ये जो है कार इतनी ज़्यादा बिक रही है इस टाइम। साथ में हॉर्न की साउंड मैं सुना दूं आपको, इसके कुछ इस तरह की साउंड है। 1500 cc का डीजल इंजन है जिसके अंदर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंड इनिशियल पिकअप तो अच्छा है काफ़ी। बाकी फीचर्स के पहले बात कर लेते हैं, तो फीचर्स सारे हैं, कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है, साथ में बॉस का जो इसमें आपको स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाएगा 8 speakers का विद सबवूफर, तो वो साउंड म्यूजिक सिस्टम का रिव्यू मैंने कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वीडियो का, देख लेना जाके। एक और म्यूजिक सिस्टम भी दिखा दो। और ऑटोमेटिक AC है, सनरूफ है, ABS, EDV, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो ऑर्डिनरी कार्स में फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। MID जो है वो भी इसकी काफ़ी बड़ी है। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस की, तो अभी हम सिंपल ड्राइव मोड में हैं और पिकअप अच्छा है काफ़ी, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, AMT नहीं है, तो उसकी वजह से जो इनिशियल पिकअप है और जो गियर का शिफ्ट है वो काफ़ी स्मूथ है। बाकी आप इसमें मैनुअल मोड में भी आ सकते हैं, और मैनुअल मोड में आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रेव कर सकते हैं इस कार। डैशबोर्ड में देख लीजिए, ड्यूअल टोन आपको डैशबोर्ड इसका देखने को मिलेगा, जिसमें कि लेदर फिनिश है, एंड जो सीट्स हैं इसकी वो भी लेदर टच्ड है, प्यानो ब्लैक का जो फिनिश है, और साइड मिरर्स जो इसके फोल्डेबल हैं, फुल्ली LED लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी फ्रंट बैक, एंड सस्पेंशन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका, गड्ढे वगैरह इतने महसूस नहीं होते और बहुत ही प्रीमियम फील आती है कार को चलाते हुए। एंड जो पावर है इसके इंजन की वो आपको डिस्प्ले हो रही होगी इस टाइम, कितने न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये, एंड कितने BHP का इसका इंजन है। पेट्रोल में दो हमें इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की, और डैशबोर्ड के सामने आप देखेंगे कि बोनेट काफ़ी विजिबल है इस कार का, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कॉन्सेप्ट SUV में। और अभी फ़िलहाल इसका जो कंपैरिजन जो चल रहा है, मेन कंपटीटर इसकी है क्रेटा, तो क्रेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मैं बता दूँ, क्रेटा का जो मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, बट उसका मेरे को म्यूज़िक सिस्टम इतना अच्छा नहीं लगा, एंड जो उसके इंटीरियर्स थे वो भी थोड़े हल्के साइड में हैं अगर हम सेल्टोस से कंपेयर करें। साथ में ड्राइव इंप्रेशंस की अगर हम बात करें, तो ड्राइव इंप्रेशंस में भी ज़्यादा अच्छी मेरे को सेल्टोस लगी, जैसा कि इसका स्टेयरिंग का फीडबैक है वो बहुत हल्का है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इसका स्टेयरिंग, एंड ट्रांसमिशन भी इसका ज़्यादा अच्छा है क्रेटा के मुकाबले। हालांकि क्रेटा की जो डायमेंशंस हैं वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हैं, पर लुकिंग में ज़्यादा अच्छे लुक सेल्टोस के ही हैं। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 50 लीटर्स की है। हाईवे की जो इसकी एवरेज आपको 16-17 के आसपास देखने को मिल जाएगी डीजल मॉडल के अंदर, एंड पेट्रोल की मैं मेंशन कर दूंगा, और अराउंड 4500 का इसका सर्विस कॉस्ट है जो मैंने नेट पे पढ़ी है, आप बताना सही है कि नहीं। अंदर की बात करें तो अंदर में भी आपको यहाँ पे LED लाइट्स देखने को मिल जाती है आउटसाइड, तो ये LED लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ देखने को मिल जाती है इस कार के अंदर, BS6 वेरिएंट। और बैक की भी दिखा दो, तो बैक में भी काफ़ी अच्छा मतलब लेग रूम वगैरह अच्छा है, और काफ़ी हेल्दी वेल्दी बंदे भी जैसे बैठ सकते हैं खुल्ले डुल्ले होकर आगे में भी। तो बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में मैं बताना चाहूँगी, फ्रंट और रियर में आपको जो है दोनों में ही डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड डिस्क ब्रेक होने की वजह से जो इसकी ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही आराम से ब्रेक करती है कार, एंड ओवरऑल ABS भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रेक का जो है फोर्स, और आपको झटके नहीं लगेंगे, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग इसकी है। साथ में 5.3 का आपको इसका टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा, 17 inch की आपको इसके अंदर टायर साइज एंड अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो पंच है, टर्बो चार्ज्ड इंजन है इसका,
2000 RPM के बाद ये थोड़ी कार जो है खिंचनी शुरू हो जाती है, थोड़ी स्पीड पिकअप करना शुरू कर देती है। अगर आप इसको मैनुअल यानी कि स्पीड मोड पे चलाएंगे तब, ड्राइव मोड में चलाएंगे तो सिंपल आपके आराम से जो ट्रांसमिशन जो है आराम से काम करेगा। एंड एक बार मैं मैनुअल मोड में भी आपको इसको रेव करके दिखाने वाला हूँ। साथ में बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जूरियस कार है कॉम्पैक्ट SUV किया सेल्टोस। हाँ, तो अभी दोस्तों हम हैं मैनुअल मोड में एंड फिफ्थ गियर पे हैं, तो थोड़ा इसको माइनस करके थोड़ी रेव करने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर्स मेरे को इसके काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि जो पैनल गैप्स हैं वो बहुत ही कम विजिबल हैं एंड फिट एंड फिनिश बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, और एक अच्छी कार की जो है लुक इसके अंदर प्रीमियम लगती है। बॉस के स्पीकर्स जो हैं इसके हैंडल में ही सेटअप किए गए हैं, स्पीकर्स प्लस ट्विटर्स आपको हैंडल में देखने को मिल जाएंगे, सब ऊपर है जो आगे देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ओवरऑल ये सब फीचर्स हैं इस कार के एंड बहुत ही प्यारी लगी मेरे को ये कार। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस कार से रिलेटेड या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं इसके अलावा, या किसी कार का रिव्यू चाहते हैं, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे को कि आपको ये कार कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।